सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर लर्निंग वीडियो। सो आई होप आज आपकी रीडिंग अच्छी खासी रही होगी। अगर आपने कल के लेवल्स देखे होंगे जो हमने डिस्कस किए हुए थे, देखिए जब तक हम लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप देखिए जिस तरीके से साइडवेज हो रहा है मार्केट पिछले कुछ दिनों से, तो आप उस साइडवेज मार्केट के अंदर ट्रैप हो जाओगे। देखिए प्रॉपर मूवमेंट थी मार्केट के अंदर, आज ये नहीं बोल सकते कि साइडवेज थी जैसे प्रॉफिट नहीं बना पाए, लेकिन देखिए जो साइडवेज थी लेकिन एक पैटर्न में मूवमेंट हुआ है उसका। देखिए आज हमने क्या डिस्कस हुआ था आज के लिए कि यहाँ पे देखिए अगर आपको याद होगा तो 0.5% का हमने आपको एक रेजिस्टेंस एरिया दे रखा था, ये वाला कि रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से मार्केट के अंदर इस लेवल से हमें एक सेलिंग देखने मिल सकती है। इससे ब्रेक करेगी तो रेजिस्टेंस का काम करेगी इस लेवल तक। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल से ही देखिए यहाँ से हमें एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला जो हमने डिस्कस भी किया हुआ था। अगर आपको याद होगा कल की आप वीडियो जाके देख सकते हो, यहाँ पे ये लेवल हमने डिस्कस किया हुआ था कल के दिन ही 0.5% का रेजिस्टेंस एरिया। वहीं से देखिए हमें यहाँ पे एक प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन प्रॉपर सेलिंग कैसे देखने को मिली है, बोलो बोलेंगे कि यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट ने नहीं सेलिंग इन्हें स्टार्ट नहीं किया, यहाँ पर बहुत सारी ट्रैपिंग करी हुई थी। तो ये देखिए जब तक मार्केट के अंदर प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही है तब तक आपको ट्रेड्स को होल्ड करके बैठना पड़ेगा। देखिए मार्केट क्या कर रहा है लगातार, देखिए बहुत सारे मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन प्रॉपर देखिए यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है तो इस लेवल तक आया है। तो आप जब तक मार्केट के अंदर यहाँ से यहाँ तक होल्ड नहीं करोगे तब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मार्केट देखिए एक बार नीचे तरफ आ रही है फिर से रिवर्स कर रही है ऊपर की तरफ, फिर से एक कॉल साइड के लिए यहाँ पे देखिए फिर से ऊपर की तरफ गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर से देखिए बैक किया यहाँ पे, फिर से देखिए सेल किया, फिर से राइज किया, फिर सेल किया, फिर यानी कि प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन जो वेव था वो एक डाउन साइड का था, जो ट्रेंड था वो एक डाउन साइड का था। देखिए अब ट्रैपिंग ज़रूर हो रही थी यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर ट्रैप नहीं होना था। क्यों नहीं होना था, क्योंकि ये जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तब तक हम बोल नहीं सकते कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया या फिर यहाँ से बुलिश हो गया है। देखिए मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल से अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली, इस लेवल पर सपोर्ट लिया अच्छा खासा, इस लेवल पर आता है फिर से देखिए रेजिस्टेंस पे, ये था हमारा रेजिस्टेंस, इस लेवल के ऊपर गया नहीं, यानी कि यहाँ से फिर से हमें सेलिंग देखने को मिली, ऐसा कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट ले लेता है, लेकिन फिर से देखिए सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकडाउन देता है अच्छा खासा। देखिए ब्रेकडाउन के बाद फिर से एक सेलिंग देखने को मिलती है, मार्केट क्लोज करता है इस लेवल के आसपास, एक अच्छा प्रॉपर सपोर्ट ले लिया है इस लेवल पे। तो आज का अगर मैं ओवरऑल व्यू की बात करूँ तो कि क्या देखने को मिला, तो प्रॉपर एक डाउन साइड के लिए मार्केट ने मूवमेंट किया, बहुत सारी मूवमेंट जरूर हो रही थी, ट्रैपिंग ज़रूर हो रही थी, लेकिन अगर मैं बात करूँ जिन्होंने यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री बनाई थी पुट साइड के लिए, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिला होगा। अगर आपने देखा हो कि इस लेवल के इस ब्रेकडाउन में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था, जो कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट के अंदर नहीं मिला था, वो यहाँ से यहाँ तक कि मार्केट के डाउन पे बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला था, मूवमेंट अच्छा खासा आया था। तो डिस्कस करेंगे कल कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है। तो देखिए यहाँ से मार्केट के अंदर यहाँ तक सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन मार्केट ने रिकवरी नहीं किया, रिकवरी थोड़ी सा किया मार्केट ने, फिर से सेलिंग देखने को मिल गई है। तो फिर से एक बार 0.5% का रिट्रेसमेंट एरिया देख लेते हैं क्या यहाँ पर रहने वाला है। देखिए जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट का काम कर रहा था वही अब काम करेगा 0.5% का रिट्रेसमेंट एरिया, यानी कि मार्केट को अगर अपसाइड के लिए मूव करना है, मार्केट को ब्रेकआउट करना है कॉल साइड के लिए, तो वेट करना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस का, यानी कि 43,120 का आपका रेजिस्टेंस काम करेगा एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड के लिए। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप पे ओपन होता है तो वेट करिए इस रेजिस्टेंस का 43,120 का। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद आप वेट कर सकते हो इस लेवल तक प्रॉफिट बनाने का। अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है, यानी कि दूसरा लेवल मेरा 43,356 का, ये फर्स्ट लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इस रेजिस्टेंस को अगर यहाँ पे 43,120 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, फर्स्ट लेवल 43,350 का, इस फर्स्ट लेवल को ब्रेक करता है मार्केट दूसरा लेवल 43,600 का, और उसके बाद ऑनवर्ड्स मार्केट के अंदर नए रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा मेरा कॉल साइड का व्यू, और यहीं से देखिए इस डेडलाइन को अगर इस डेडलाइन को मार्केट थोड़ा सा व्यू अगर देख लो आप यहाँ पे कि एक डाउन ट्रेंड की तरफ ही मूवमेंट चल रहा है अभी, तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ना करे और यहाँ से आपको ट्रैप करे, यहाँ पे पुट कॉल साइड के लिए ट्रैप करे, एक बड़ी सी ग्रे कैंडल बनाए और फिर से रिवर्स कर जाए। यानी कि आपको वेट करना है कि यहाँ से 15 से 20 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आप देख लो कि यहाँ से रेजिस्टेंस को या फिर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक सस्टेन कर ले ग्रे कैंडल, सस्टेन करने के बाद जब दूसरी कैंडल उस वाले हाई को ब्रेक करेगा, यानी कि देखिए मार्केट एक रेजिस्टेंस पे गया यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक गया मार्केट और दूसरी कैंडल सस्टेन करके इस लेवल को ब्रेक कर दे, तो आपकी एंट्री बनेगी अच्छा खासा इस लेवल के आसपास, या फिर मार्केट इस लेवल के आसपास अगर यहाँ पे क्लोज करता है दूसरी इसके हाई पर जाती है तो आपकी एंट्री बनेगी। यानी कि आपको वेट करना है कि फर्स्ट कैंडल बने
दूसरी कैंडल उस वाले हाई को ब्रेक करे तो ही सस्टेन कर ले, तो ही आपकी एंट्री इस लेवल पर बनेगी और अच्छा खासा आप टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। यानी कि यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये रहा एक मेरा कॉल साइड का व्यू। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ पुट साइड के लिए, तो मार्केट के अंदर अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता है तो फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, प्रॉपर सेलिंग यहाँ से देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ से इस लेवल के आसपास से प्रॉपर सेलिंग ही आपको देखने को मिल रही है। देखिए आप कि यहाँ से जितनी बार मार्केट के आसपास आएगा मार्केट, वहाँ से हमें एक प्रॉपर सेलिंग ही देखने को मिलेगी। यानी कि ये वाला जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इस लेवल तक आ सकता है, और यहाँ से अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करता, ट्रेडलाइन को ब्रेकआउट नहीं करता, तो फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। और यहाँ से मार्केट सपोज फ्लैट ओपन करता है तो वेट करेंगे मार्केट के अंदर 42,820 के लेवल को। इस लेवल के आसपास अगर सस्टेन कर लेता है 15-20 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर, 5 मिनट का भी सस्टेन कर ले अगर मार्केट वहाँ पे उस लेवल तक, यानी इस लेवल के आसपास सस्टेन कर लेता है, तो इजीली हम जाएंगे फर्स्ट लेवल 42,570 का मेरा फर्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है, और 42,400 का आपको दूसरा भी लेवल देखने को मिल सकता है। ये रहा डाउन साइड के लिए व्यू, और ये रहे मेरे कॉल साइड के लिए व्यू। चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिए।